तो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारी चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। फ्रेंड जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो विशेष है। आज मैं आपको, एक्चुअली कल से कुछ बहुत सारे कमेंट आए हैं और इनकी संख्या ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई इंस्टाग्राम पर। तो 50-60 लोग थे जिनका एक ही कमेंट था कि दीदी आप लड्डू गोपाल का श्रृंगार पेंट से करके एक बार दिखा दीजिए, क्योंकि मैंने एक बार पीतल वाले लड्डू गोपाल का श्रृंगार करके दिखाया है। देखिए उसमें मैंने किसी से झूठ नहीं बोला था, मैंने आपसे ये नहीं कहा था कि ये मेरी फ्रेंड के हैं या मेरी रिश्तेदार के, ऐसा कुछ नहीं था। अमीनाबाद में एक भैया हैं शॉप वाले, उनके पास मैं गई थी, उनके पास मैं 2000 रुपये जमा करके वो लड्डू गोपाल लेकर आई थी। 10 नंबर के लड्डू गोपाल थे। मैंने उस वीडियो में भी ये बात बोली थी कि वो मेरे नहीं है, मैं भैया से लेकर आई। उसमें घर वाले बहुत कन्फ्यूज थे, मैं और मेरे हस्बैंड के, ने रख लें या दे दे। फिर नहीं मन हुआ तो हमने उन्हें वापस कर दिया, भैया को अपने पैसे भी ले लिए थे। उनको मैं लाई थी, मैंने श्रृंगार करके आपको दिखाया था। तो वैसा ही कमेंट आया कि दीदी ठीक है आप अपने लड्डू गोपाल पर नहीं, लेकिन बाजार से ले आइए और करके दिखा दीजिए। देखिए मैं बहुत मानवताहीन नहीं हूँ और हमारे घर में कोई नहीं है। मैं अपनी ही बात नहीं कर रही, मेरे हमारे घर में कोई नहीं है। कुछ चीज़ें देखिए हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में अवॉइड करनी चाहिए, कुछ चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें बहुत सोच समझ के करना चाहिए। पेंट, आप पेंट करने की बात कर रहे हैं या आप कह रहे हैं कि घर में आप मिठो सांद्रो, आप घर में जो है वो पेंट करने की बात कर रहे हैं। एक कमेंट आई थी हमारे लड्डू गोपाल की आँख बीच से टूट गई है तो हम कैसे लगाएं? तो देखिए उसके लिए तो तरीका ये है कि आप लड्डू गोपाल को, सीधी सी बात है, शॉप पर ले जाइए, शॉप वाले भैया उनके जो साइज़ है उसकी आँख लेके लगा देंगे, फिर आप घर पर ला के उनको गंगा जल से स्नान करा के धूप दीपक दिखा के फिर से बैठाइए। सही अगर प्रोसेस की बात करें तो सही प्रोसेस तो ये है कि उनकी नई आँख लगवा के दोबारा से प्राण प्रतिष्ठा करके फिर बिठाइए। सही प्रोसेस तो ये कहता है, मैं आपको एक्चुअल बात बता रही हूँ। क्यों, आप क्या लगता है आपको? मैंने अपने गुरुजी से चर्चा की इस बारे में, इसलिए आपको बता रही हूँ। सही प्रोसेस तो ये कि अगर एक बार उनकी आँख वगैरह निकल जाती है, गिर जाती है या टूट जाती है, या कभी कभी ऐसा होता है ना सीप की रहती है तो आधी आँख टूट जाती है आधी रह जाती है, ऐसी स्थिति में आप शॉप पर ले जाके आँख लगवा कर घर ला कर दोबारा से उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे, क्योंकि वो आपके घर से चले गए हैं। और एक बात मैं इसी वीडियो बता दूँ कि भगवान जी के घर के अंदर कभी भी अचल प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। अचल प्राण प्रतिष्ठा वो होती है जब मूर्तियों को गढ़ दिया जाता है, और घर में मूर्तियां कभी गढ़ती नहीं है, विग्रह घर में कभी नहीं गढ़ते। हम लाते हैं प्राण प्रतिष्ठा करके बिठा देते, फिर कपड़े चेंज करने के लिए हिलाते डुलाते रहते, वो हमेशा चल प्राण प्रतिष्ठा में ही रहते हैं, अचल में नहीं रहते। अचल में विग्रह प्राण प्रतिष्ठा होते ही नहीं है, घर के मंदिर के होते हैं। विग्रह आते हैं, उनको मंदिर में ही गढ़ दिया जाता है, फिर वो उस स्थान से कभी नहीं हिलाए जाते, कभी भी नहीं। इतनी जगह बना के हिला लगाया जाता है कि आप जो है वस्त्रों को पहना लें और निकाल लें। आप चाहें तो ये बात किसी ब्राह्मण देव से पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं पेंट की, तो मैं क्या इस पर अपनी टिप्पणी दूँ। पेंट करना तो देखिए, जैसे कि मैंने एक बहुत पहले एक बात कही थी कि जब आप अपने ऊपर पेंट नहीं कर सकते, क्या ऐसा है कि आप अपने ऊपर पेंट करके घूम सकते हैं? आई शेडो पर जो है वो आई शेडो, जो मेकअप करें तो पेंट लगा लें, लिप्स पर पेंट लगा लें। अपने लिए तो हम इतनी चीज़ें देखते हैं, वेगन फ्री हो, पैराविन फ्री हो, एनिमल टेस्टेड हो, ये हो वो हो, नेचुरल हो, आयुर्वेदिक हो, तो भगवान जी के लिए हम पेंट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फिर भी मैं आपसे एक बात और ये करना चाहूँगी कि जो मेकअप प्रोडक्ट जो स्किन फ्रेंडली होते हैं हम उनको इस्तेमाल करते हैं। अगर हम एशियन पेंट की बात करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं घर में पेंट नहीं करती, मैं सामान पे पेंट करती हूँ। जैसे देखिए मैं कुछ सामान लाई थी बहुत दिन पहले, कल मुझे देखना पड़ा, मैं बहुत ज़्यादा मतलब इसके बारे में ना सर्च भी नहीं कर पाई। जैसे देखिए स्टेनर है, मुझे कुछ चीज़ें पेंट करनी थी तो मैंने मंदिर पेंट किया हुआ है, अभी तब लाई थी। मेरा एक रोलर भी टूट गया था तो देखिए ये रोलर भी मैं लेके आई थी, अभी यूज़ नहीं, नया है एकदम से। पुराना रोलर ना मेरे यहाँ से टूट गया, मैंने उसको ज़ोर से चलाया तो यहाँ से टूट गया। और ये देखिए वाइट सीमेंट है, ये ब्रश एक मैं लेके आई थी, और पुराने ब्रश भी रखे हैं, एक वाइट सीमेंट है। तो मैं वही आप लोगों को दिखा रही थी, मैं क्या दिखा रही थी मैं यही भूल गई। और ये देखें ये एशियन पेंट है। अब इसकी स्थिति ये है, इस पर कहीं नहीं लिखा है इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। सबसे पहली चीज़ तो जो है, मैं गोल्डन कलर का लाई थी, मैं कोई चीज़ पेंट कर रही हूँ, मैं जब वो पेंट हो जाएगी ना तब आप लोगों को दिखाऊँगी, सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। एक ये ब्लैक कलर लेके आई थी, तो इस पर कहीं नहीं लिखा है कि ये वेगन फ्री है,
एनिमल टेस्टेड है या पैराविन फ्री है, 100% नेचुरल है, या इसके इंग्रेडिएंट्स कहाँ हैं। जबकि इस तेल की एक जो विशेषता है वो मैं आपको बता दूं कि अगर ये कहीं पे लग जाता है तो पानी का तो मुझे पता नहीं, बिना तारपिन के या बिना पेट्रोल के ये छूटता नहीं है, यही है ना हकीकत। चीज़ तो ये है कि आप ब्रश को पेंट करेंगे ना तो ब्रश धुलने के लिए भी आपको तारपिन की ही ज़रूरत पड़ेगी, जो कि घासलेट के करीब करीब का ही होता है। घासलेट जैसा नहीं होता, घासलेट के करीब करीब का होता, बहुत स्किन फ्रेंडली होता। मुझे तो उसकी स्मेल इतनी गंदी लगती, पूछे मैंने मंदिर पेंट किया तो अपना नाश ही कर लिया। मतलब मैंने मंदिर भर पेंट किया तो मेरी पूरी आंखें लाल वाल हो गई, पता नहीं क्या का तमाशा हो गया मेरे साथ, मैं खुद ही नहीं समझ पाई। तो इसकी सबसे बड़ी जो चीज़ है ना वो ये है कि इस पर एल्यूमिनियम लोडेड है, ये आग आग से आपको प्रोटेक्ट कर सकता है, थोड़ा सा लिखा है इस पर। बस कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं मेंशन है, कोई इस पर टेस्टेड नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हकीकत चीज़ तो। मैंने इसके बारे में बहुत सर्च करने की कोशिश की है यूट्यूब पर, बट कुछ मिला नहीं। इसके इंग्रीडियंट्स तो बिल्कुल भी नहीं पता चले। तो जब जिस चीज़ के बारे में हमें यही नहीं पता है कि आखिर इसके अंदर है क्या, तो बिना सोचे समझे सिर्फ अपनी मानसिकता के लिए किसी के ऊपर पोत देना तो मुझे उचित नहीं लगता। भगवान ने आपको जो नाक नक्शा दिया है उसमें भगवान ने आपको स्वीकार किया है ना, तो फिर हम भगवान के लिए इस तरीके से क्यों करते हैं। दूसरी चीज़ देखिए, ये मेरे पास एक पेंट रखा है क्योंकि मुझे थोड़ा सा घर में कभी कोई कपड़े वपड़े पेंट करने होते तो मैं कर लेती हूँ। बहुत सारे ख़त्म भी हो गए तो आप देख सकते हैं, बट आपने देखा हमारे लड्डू वालों कभी पेंट नहीं होता, मैंने कभी नहीं किया। मेरे पास सारे के कलर हैं इसके, और इसकी मैं आपको बस विशेषता एक बता दूँ, ये ना एक्रेलिक पेंट की तरह, कभी आप एक्रेलिक पेंट का पूरा डिब्बा लीजिएगा तो आपको पता चलेगा। ये ऑल इंडिया कर्शन रेड कंप्रेशन से है, और ये आप देखें मैं आपको दिखाती हूँ, आप इसके बारे में सर्च करिए। हमने ना कोई दिखाया था ना, हाँ ये मार्क आप देख लीजिए, ये 0 से 3 जो मंथ या ईयर के बच्चे हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। देखें यहाँ पे ये बना हुआ है, मैं इसकी फ़ोटो आपको ना इंस्टा पर डालूँगी तो आप चेक कर लीजिएगा, ये इसके लिए तो बिल्कुल भी सेफ है ही नहीं। तो आप इस पर दिया हुआ भी है, ये जो मार्क होते हैं ना इस पे इसीलिए बने रहते हैं। तो जो पेंट 0 से 3 ईयर के बच्चों के लिए भी मंथ, हम मैं मंथ ही मान लेती हूँ, उसे 3 ईयर के मंथ के लिए ही सेफ नहीं, तो हम अपने भगवान जी को कैसे लगा सकते हैं। तो भाई मैं नहीं लगाती, अगर आप मुझसे ये उम्मीद रखते हैं कि मैं आपको लगा के दिखाऊंगी तो ना कतई नहीं, मैं नहीं लगा के दिखा सकती, ना ही मैं कभी लगाऊंगी। अब बात करते हैं एक और, देखिए घर के विग्रह में और बिजनेसमैन में अंतर होता है। जब एक व्यक्ति बिजनेस कर रहा होता है, विग्रह तैयार कर रहा होता है, तो हमारी भावनाओं का इससे कोई लेना देना नहीं होता कि वो विग्रह हिंदू तैयार कर रहे हैं या मुस्लिम तैयार कर रहे हैं या कोई और तैयार कर रहा है या कोई और तैयार कर रहा है। वो केवल मात्र एक व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। अगर वो 50 विग्रह तैयार कर रहे हैं, अगर वो 50ों को भगवान मान लेंगे, आप देखिएगा जो विग्रह बेच रहा होता है उसके दुकान में भी एक छोटा सा मंदिर बना होता है। हर शॉप का एक नियम है, जो विग्रह बेचते हैं उनकी दुकान में भी एक छोटा सा मंदिर होगा, उनके अपने जो भगवान हैं पूजनीय है, उनको वो उस मंदिर में बिठा के रखते हैं। अगर दुकान वाला सब भगवान को विग्रहों को भगवान मान लेगा तो फिर वो खाएगा क्या, उसका काम कैसे चलेगा। तो उसके लिए वो मात्र एक मूर्ति होती है, सिर्फ एक मूर्ति होती है। जब हम उसे अपने घर जाते हैं विग्रह को लेने, और हम किसी विग्रह को जब अपने घर लाते हैं तो हमारे भाव उनके प्रति भगवान जैसे होते हैं। हमें उस एक भगवान में, एक विग्रह में दो नज़रिए, जो व्यापारी है उसे वो सिर्फ एक मूर्ति लग रही, लेकिन जो ग्राहक लेने गया है उसे उसमें पूरे भगवान लग रहे हैं। तो ये दो चीज़ें हैं यार, इसे हटा दे जरा, मिट्ठू बाबू चिल्ला के सर दबा देगा। तो दो चीज़ें हैं, दुकान वाले को तो मूर्ति लग रही, लेकिन जब हम लेने जा रहे हैं तो हमारे लिए वो टोटल भगवान है, उनमें कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं, हमारे लिए भगवान है, साक्षात भगवान है। मतलब जो हमारे मन की आंखें उनके प्रति महसूस कर रही हैं, उनकी लीलाओं को देख रही हैं, समझ रही हैं, वो और कोई दूसरा व्यक्ति देख ही नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी दुर्गा जी और माँ सरस्वती जी, पार्वती जी, विग्रह मैंने प्लेन ही बनवाए थे। मैं इस बात के सख्त खिलाफ़ थी कि हमें इन पर पेंट करवाना है, बट जब मैंने चैनल ओपन किया तो बहुत सारे लोग कमेंट आया, दीदी करवा लीजिए करवा लीजिए करवा लीजिए। तो आप यकीन जाने, हस्बैंड सामने बैठे हुए हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, आप यकीन जाने कि मैंने दिल पे पत्थर रखा और मैं विग्रह लेकर गई, दुकान वाले भैया को दिया, अपने सामने मैंने पेंट करवाया। मतलब क्यों, ये पेंट हम लोगों ने सामने बैठ के करवाया था ना,
सामने बैठकर हमने पेंट करवाया और भैया ने पेंट किया, और पेंट करके मैं वहीं थोड़ी देर खड़ी रही, देखा वो पंखे के सामने रखे थे, लंबा प्रोसेस हुआ, समय लगा उसको सूखने में, 2 से 2.5 घंटे का। हकीकत चीज़ तो ये कि घर लाते लाते उनके नीचे का पेंट भी निकल गया था, क्योंकि सूखने का पूरा प्रोसेस मैंने होने नहीं दिया। मैं वहीं खड़ी थी, मैं चाह रही थी कि मेरे सामने प्रोसेस हो, मैं अपने भगवान जी को लेकर चली जाऊँ जल्दी से। फिर जब मैं घर लेके आई, मैंने दोबारा से विधि विधान के साथ उनकी प्राण प्रतिष्ठा की, और उस चक्कर में बीच में कई दिन वीडियो भी नहीं आ पाई थी भगवान जी की। मैंने उन्हें लेके गई, उनकी प्राण प्रतिष्ठा पेंट करवाया, फिर घर लाके मैंने उनकी प्राण प्रतिष्ठा दोबारा से की। तो सही प्रोसेस ये है, अगर आपके लड्डू गोपाल का कलर उतर गया है, कोई बात हो गई है, तो आप पेंट दुकान पर जाकर करवा लीजिए और आप उनकी दोबारा से प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए। देखिए, दुकान वाले के लिए वो मात्र एक विग्रह हैं, लेकिन आपके लिए आपके पूरे भाव जुड़े हैं, आपके लिए आपके आराध्य हैं, आपके ईश्वर हैं। मैं आपसे एक छोटी सी सवाल कर लेती हूँ कि आपका घर में आपका बेटा है, आपकी बेटी है, आपके परिवार का कोई सदस्य है, गलती से कुछ हो जाता है, कोई बात हो जाती है, हम कहते हैं कि हम लड्डू गोपाल की बात ले लेते हैं, किसी व्यक्ति की ले लेते हैं, जैसे कि मैं अपनी ही ले लेती हूँ, किसी को क्या कहना है, अपनी ले लेती हूँ, जैसे कि आज मैं हूँ, ठीक है, और गलती से मेरे पति कहीं से जा रहे हों, सीढ़ी से उतर रहे हों, और वो गिर जाएँ, उनके पैर में चोट लग जाए, ऐसा कभी हो ना, लेकिन मान लीजिए उनका पैर टूट जाए, कोई बात हो जाए, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं खुद ही उनका पैर जोड़ दूँगी, खुद ही डॉक्टर बन जाऊंगी। उन्हें सही प्रोसेस जो करता है ना, उसके पास लेके जाऊंगी, प्रोसेस करवा के लाऊंगी, जब वो ठीक हो जाएंगे तो मैं उनकी प्रॉपर सेवा करूंगी और उन्हें ठीक करूंगी। तो सीधी सी बात ये है, जब विग्रह बन रहे होते हैं, जो मूर्तियां बना रहे होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब प्रभु हमारे घर में आ गए हैं तो ये विशेष महत्वपूर्ण है। तो अगर आप लोग मुझसे ये अपेक्षा रखते हैं कि मैं कभी उन पर पेंट लगा के दिखाऊंगी, तो आपसे माफ़ी चाहूंगी, मैं ये कार्य कभी नहीं कर सकती, इतना निर्दयी में नहीं, मैं दुकान से ला के भी ये काम नहीं कर पाऊंगी, मेरे हाथ जो है ना, आप, मैं आपको कैसे कहूँ कि मेरे हाथ उठेंगे नहीं, आप मतलब लगता है आपको मेरे हाथ से ब्रश चल नहीं सकता, मैं इतना जानती हूँ, मेरे हाथ उन पर उठ ही नहीं सकते। वो क्योंकि देखिए, जब हम दुकान से लाते हैं तो बात अलग है, लेकिन जब वो घर आ जाते हैं तो हमारे अचानक से उनके प्रति भाव बदल जाते हैं, अचानक से मतलब उनके प्रति जो हमारी राय है वो चेंज हो जाती है, हमारे भाव बदल जाते हैं अचानक से। जब हम एक लड्डू गोपाल को अपने घर में रखे हुए हैं, फिर आप उस पर ये सोचा कि मैं दूसरे लड्डू गोपाल लाऊं और उनका श्रृंगार कर दूं, दूसरी चीज़ सबसे बड़ी कर भी दूं, एक चीज़ मान लो कर भी दूं, जब मुझे यही नहीं पता कि इसके अंदर मिला क्या है। कुछ लोग, बहुत पहले अफवाहें उड़ती थी कि जो लिपस्टिक बनती है उसमें जो है वो एनिमल्स का ब्लड मिला होता है, और बहुत से ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं तो उनका इसका ब्लड होता है, उसका ब्लड होता है, फिर मैं उन सब बातों को नहीं मानती हूँ, खैर जो भी है वो तो जो बनाने वाला है वो जाने, लेकिन इस पे इसके इंग्रेडिएंट्स नहीं है, मैं नहीं जानती इसके बारे में कि ये कैसे बनता है, और जो इतना हार्ड है, जो तारपिन से ही निकलता है, फिर उसके इंग्रेडिएंट्स कैसे होंगे, इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, मैं आप लोगों से एक ही बात कहूँगी कि अगर आपके लड्डू गोपाल का कलर निकल भी गया है तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आखिर प्रभु ही तो है। अगर आप प्रभु को उनके स्वरूप में नहीं स्वीकार कर सकते तो फिर आप इस बात को कैसे मान सकते हैं कि प्रभु आपकी भक्ति को स्वीकार कर रहे होंगे, क्योंकि हमें प्यार किसी विग्रह से नहीं करना है, अपने भाव से करना है। हम अपने भाव को एक जगह एकत्रित करते हैं, प्रभु को अपना आराध्य मान लेते हैं, अपने सुख दुख कहते हैं, उनके सुख दुख सुनते हैं और पूजा पाठ करते हैं निरंतर। कभी मान लीजिए ऐसा कुछ हो भी जाता है, हम कहते हैं अगर आपको कुछ हो जाए, अब मान लीजिए एक चोट, मान लीजिए आप कि आप बुढ़े होने लगे, आपके बाल झड़ने लगे, आपके दांत टूट जाएं, आपके चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाएं, आपकी खाल लटक जाए, आपके हाथ पर टूट जाए, तो क्या ईश्वर आपको स्वीकार नहीं करेंगे? क्या ऐसा आज तक हुआ है? आपने कभी कहीं देखा है किसी का दांत टूटा हो तो ईश्वर ने कहा नहीं ऐसा है, पहले सीधा जाओ डेंटिस्ट के पास, अपना दांत नया लगवाना, फिर मेरे पास आना, क्योंकि तुम एक जो दांत तुम्हारा कम है उसके वजह से तुम मुझे अच्छे नहीं लग रहे हो। क्या ऐसा किसी के साथ हुआ है कभी? हस्बैंड हंस रहे हैं, तो हंसने वाली बात नहीं है इसमें, सही बात है भाई। कभी ऐसा हुआ कि आपके बाल झड़ रहे हो, आप गंजे होने के कगार पे आ गए, भगवान जी ने आपसे कहा हो कि जाओ पहले अपने नए बाल लगवा के आओ, उसके बाद मेरी सेवा करना, बिना बालों के तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हो। या कभी ऐसा हुआ हो कि आप बहुत फेयर हैं, आप धूप में गए हो, आपका कलर डल हो गया हो, तो आपने भगवान जी से कहा हो आपके लड्डू गोपाल ने, या किसी भगवान जी ने आपसे कहा हो कि ऐसा है सुनो, ये 10 के साथ तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हो, तुम्हारा कलर उतर गया है, तुम बिल्कुल अनफेयर लग रहे हो, जाओ पहले पार्लर जाओ, अपना पूरा फुल बॉडी केयर करवा के फिर मेरे सामने आओ। तो ऐसा तो कभी होता नहीं है। आप जैसी भी स्थिति में ईश्वर आपको स्वीकार करता है, और आप भी इस बात को समझें, ईश्वर को उनके स्वरूप में ही स्वीकार करें। फिर भी अगर आप पेंट करवाना चाहते हैं तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप खुद से ना करें ये पाप, आप अपने हाथों से ना करें, दुकान वाले भैया को दे दीजिए, वो उनका, क्योंकि वो भगवान की नज़र से नहीं कर रहे हैं, वो तो उनका रोजी रोटी का जरिया है, आप उनको
दे दीजिए, वो पेंट कर देंगे, आप घर ला के दोबारा से उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके उनको स्थापित करके रख सकते हैं। ये एक प्रोसेस है जो आप कर सकते हैं। बकाया के तो देखिए अपनी अपनी विचारधारा है, हो सकता है ये बात कुछ लोगों को बुरी लग जाए, हो सकता है कि आप लोगों को समझ में आ जाए, लेकिन अगर आप मेरी बात करें तो मैं आपसे ये कहूँगी कि जिस चीज़ के हमें इंग्रेडिएंट्स नहीं पता है उसे हम कैसे भगवान पे लगा सकते हैं, जिस चीज़ के डब्बे पे ये लिखा है, मैं इसकी फ़ोटो आपको इंस्टा पर डाल दूँगी देख लीजिएगा, जिस डब्बे पे ये लिखा है कि ये 0 से 3 मंथ के या ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए सेफ नहीं है, तो वो चीज़ लड्डू गोपाल को चिपका दी जाए, ये कैसे? और उससे बड़ी बात, जो चीज़ आप खुद ही नहीं कर सकते वो भगवान पे करने की उम्मीद रख रहे हैं, ये कैसे? ये तो अनफेयर वाली चीज़ है कि नहीं? इसका मतलब तो बस ये हो गया कि आप भगवान से प्रेम नहीं कर रहे हैं, आप मात्र एक मूर्ति से प्रेम कर रहे हैं। और भगवान में मूर्ति में अंतर होता है, अगर हम मानते हैं तो हमें पत्थर भी अच्छा लगता है, और नहीं मानते तो हम लाख भगवान बिठा लें हमें कोई अच्छा नहीं लग सकता। तो मेरी तो बस इतनी सी प्रतिक्रिया है, हस्बैंड की राय ले लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? तो आप बस इतना ही कहना चाह रहे हैं, कुछ और? तो किसी से कोई निवेदन कि कोई करे कि ना करे? भाई मेरा निवेदन है, मैं नहीं कर सकती, मुझसे कोई अपेक्षा मत रखिएगा। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का कल परसों में कमेंट आया कि दीदी आप बता दीजिए कैसे करते हैं, हम घर में कर लेंगे, हमको करके बता दीजिए। तो देखिए आपको करना है भाई, अब जैसे भी करना आप कर सकते हैं, मैं नहीं करती, मुझसे इस बात की कोई उम्मीद भी ना रखे कि मैं कभी करके बताऊँगी, भले ये मेरी जिम्मेदारी हो सकती बट मैं नहीं बता सकती, ना बाजार से विग्रह ला के बता पाऊँगी और किसी के विग्रह मानूंगी कैसे, जब मैं अपने लड्डू गोपाल पर नहीं कर सकती तो किसी और से कैसे कहूँगी भैया लाइए अपना लड्डू गोपाल दे दीजिए, हम इन पर पेंट करके एक वीडियो बना दें, मात्र हमें एक वीडियो के लिए ही जो है वो पेंट करना है, तो ये नहीं हो पाएगा। चंदन से श्रृंगार करिए, बहुत ही बढ़िया लगते हैं आप, उनका जहाँ भी कलर निकला है बढ़िया चंदन से वहाँ पत्रावली बनाइए, आपको उनके हाथों का कलर निकला है तो आप बढ़िया वहाँ डिज़ाइन वाली पत्रावली बनाइए, चंदन से लाल पीला चंदन लीजिए, मस्त उनके पत्रावली बनाइए, प्रभु भी खुश, आप भी खुश, हमारे भाव भी खुश। तो वो काम करिए जिसमें ना खुद को शर्मिंदगी होनी पड़े और ना आपके मन में कभी कोई बात का चोटे के आ रही तो नहीं, और चंदन तो हम खुद भी लगाते हैं तो ईश्वर को भी लगा सकते हैं। तो मेरा मानना बहुत सीधा सीधा सा, बहुत सीधे से काम करती हूँ, बहुत सीधे से राय देती हूँ, बहुत लोलो चोपो की बात करना मुझे नहीं आती, ना ही मैं वो करती हूँ, तो जो था वो यही विचार है मेरे, बकाया कि आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और हमारे पतिदेव की राय भी यही है कि जो है वो केमिकल नहीं यूज़ करना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, नहीं करना चाहिए भाई, बकाया कि आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वो आपकी अपनी विचारधारा है, मेरी कोई राय नहीं है और मैं करके नहीं दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड मुझे बताएं कि क्या आपको मेरे विचार वाकई सही लगते हैं। जिसे सही लगते हैं भाई वो अपना समर्थन ज़रूर प्रकट करें कि सही लगते हैं कि नहीं। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।